जो हमारा पॉइंट है वो है प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन ऑन इंटीजर्स, मतलब इंटीजर्स के जब एडिशन करते हैं तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, मतलब क्या क्या हमें प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं, देखेंगे। सबसे पहला क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, द सम ऑफ टू इंटीजर्स इज ऑलवेज एन इंटीजर, यानी कि जैसे कि टू क्या है, इंटीजर्स, उसी तरह थ्री क्या है, इंटीजर, दोनों को यदि आप प्लस कीजिएगा, ऐड कीजिएगा तो क्या आएगा, फाइव आएगा, और फाइव ही क्या है, इंटीजर्स ही भी, ठीक है। तो ये हमारा होता है क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि जब दो इंटीजर्स को ऐड किया जाए, एडिशन किया जाए, तो जो आंसर आएगा, जो रिजल्टिंग वैल्यू आएगा, जो रिजल्ट आएगा, वो क्या आएगा, वो भी एक इंटीजर्स ही आएगा। नेक्स्ट है कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, कम्यूटेटिव लॉ या फिर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं, कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन, यानी कि ए प्लस बी जो होगा वो कीजिए या फिर बी प्लस ए कीजिए, दोनों बात बराबर है, करके देखते हैं। जैसे कि टू प्लस थ्री कीजिएगा तो फाइव आएगा, या फिर थ्री प्लस टू भी कीजिएगा तो भी आपका क्या आएगा, फाइव ही आएगा, क्लियर। तो यानी कि कम्यूटेटिव लॉ ऑफ एडिशन जो इंटीजर्स है वो ट्रू है, वो ओबे करता है। नेक्स्ट है हमारा एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव लॉ ऑफ एडिशन यानी कि ए प्लस बी को पहले सॉल्व कर लीजिए, बाद में सी ऐड कीजिए, या फिर ए को रहने दीजिए, पहले बी और सी को ऐड कर लीजिए, उसमें बाद में ए को ऐड कीजिए। जैसे कि एग्जांपल्स 2 प्लस 3 प्लस 5 है, ठीक है, तो पहले 2 और 3 को ऐड कर लीजिए, है ना, क्योंकि स्मॉल ब्रैकेट में, तो ये क्या होगा 5, और 5 प्लस 5 क्या हो जाएगा पर 10 हो जाएगा, है ना, या फिर 2 को रहने दीजिए और 3 प्लस 5 कर लीजिए, तो यानी कि 2 प्लस 8 होगा, यानी कि 10 आएगा इस वाले केस में भी। या फिर आप चाहे तो यहाँ पे ये भी लिख सकते हैं, a प्लस सी को ऐड कर लीजिए और बाद में b को ऐड कीजिए, यानी कि 2 प्लस 5 कर लीजिए और बाद में उसमें क्या कीजिए, 3 को ऐड कर लीजिए, तो ये हो जाएगा 7 प्लस 3 यानी कि 10। तो तीनों केस में क्या है, सेम आते हैं। तो यहाँ आपका क्या होता है, जो एसोसिएटिव जो लॉ ऑफ एडिशन होता है ये होल्ड करता है, ट्रू है ये, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा द सम ऑफ एन इंटीजर एंड जीरो इज ऑलवेज द सेम इंटीजर्स, यानी कि कोई भी इंटीजर्स में यदि आप सम करते हैं, कोई भी इंटीजर्स में यदि आप सम करते हैं, उसके साथ जीरो ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो हमेशा जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, वही इंटीजर्स आएगा, जो गिवन इंटीजर्स जो शुरुआत में होगा जिसमें आप जीरो ऐड कर रहे हैं वही होगा। जैसे कि आप 4 प्लस 0 कर लीजिए तो भी 4 आएगा, है ना, किसी भी नंबर में, चाहे प्लस में हो या माइनस में हो, माइनस 4 में भी 0 ऐड कीजिएगा तो भी माइनस 4 होगा। यानी कि एग्जांपल समझिए, जैसे कि किसी के पास 4 रुपया उधार है, आप उसको कुछ नहीं दे रहे हैं, 0 का मतलब कुछ नहीं, नथिंग, नन, ठीक है, तो उसके पास कितना उधार रहेगा, 4 रुपया उधार रहेगा, तो उधार के लिए माइनस का साइन होता है, यानी कि वो निगेटिव में जा रहा है। और 4 है जो नंबर है, द इंटीजर्स ऑफ 0 इज कॉल्ड द एडिटिव आइडेंटिटी, यानी कि जो इंटीजर जीरो है उसको क्या कहा जाता है, एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि जीरो किसी भी इंटीजर्स में ऐड होगा, सम होगा, तो हमेशा वही सेम इंटीजर्स आ जाते हैं, इसलिए जीरो को एडिटिव आइडेंटिटी कहा जाता है। नेक्स्ट है द सम ऑफ एन इंटीजर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज ऑलवेज जीरो, यानी कि कोई भी नंबर है उसका यदि आप एडिटिव इनवर्स निकालते हैं, यानी कि कोई भी नंबर है उसका अपोजिट निकालते हैं, तो उसका जब सम कीजिएगा तो हमेशा क्या आएगा, जीरो होगा। जैसे कि 2 है, 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है, अब किसी का भी एडिटिव इनवर्स निकालने के लिए उसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। तो 2 में जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा, 2 में माइनस, ये 2 क्या है, प्लस में, आप इसमें माइनस 1 से जब मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या होता है, माइनस 2 आ जाता है, ठीक है। बस अब माइनस 2 को क्या कीजिए, ऐड कीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, तो माइनस प्लस इनटू माइनस होने पे क्या आता है, माइनस होता है, माइनस 2 माइनस 2 यानी कि 0। यानी कि किसी भी नंबर में उसके यदि अपोजिट ऐड हो जाएगा तो क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। यानी कि किसी का भी अपोजिट का मतलब एडिटिव इनवर्स, यानी कि उल्टा, यानी कि माइनस 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। उसी तरह का निगेटिव नंबर भी होता तो भी हम उसका भी निकाल सकते हैं, जैसे कि माइनस 3, ठीक है, माइनस 3 में ऐड करना है तो माइनस 3 का अपोजिट क्या होगा, प्लस 3, है ना, कैसे, क्योंकि माइनस 3 में जब माइनस 1 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस का साइन आता है, प्लस 3 हो जाता है, है ना, तो इसमें कितना ऐड होगा, 3 ऐड होगा, और 3 यहाँ पे माइनस में 3 है, यहाँ पे प्लस में 3 है, किसका 3 रुपया है, उसमें 3 रुपया और उधार हो गया, तो कितना बचेगा उसके बाद, 0, ये भी समझ सकते हैं, है ना।
या फिर आप चाहे तो नंबर लाइन से भी आप समझ सकते हैं, जैसे माइनस थ्री है यहाँ पे, जीरो वन टू थ्री फोर, यहाँ पे माइनस वन माइनस टू और माइनस थ्री, यहाँ पे माइनस थ्री है, इसमें कितना ऐड हो रहा है, तीन। तो जब भी ऐड हो रहा होगा तो हम लोग क्या जाते हैं, राइट साइड में जाते, बढ़ रहा है तो एक एक बार गए, दो बार गए, तीन बार गए, तीन बार पे क्या है, जीरो है। तो आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है हमारा, द एडिटिव इनवर्स ऑफ जीरो इज जीरो। क्योंकि जीरो का जीरो क्यों होता है एडिटिव इनवर्स, क्योंकि जीरो ना ही पॉजिटिव है ना ही निगेटिव है, ना उसके साथ प्लस का साइन आता है ना उसके साथ माइनस का साइन आता है, ठीक है। इसको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स भी कहा जाता है। ये जो आपका एडिटिव आइडेंटिटी था उसको एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी भी कहा जाता है। जैसे कि इंटीजर्स को जेड और कैपिटल आई, कैपिटल जेड या फिर कैपिटल आई से दिखाया जाता है ना। तो आप चाहे तो सेट ऑफ इंटीजर्स को दिखाने के लिए आप ऐसे भी लिख सकते हैं, जीरो प्लस माइनस वन प्लस माइनस टू प्लस माइनस थ्री प्लस माइनस फोर एंड सो ऑन, आप इस तरीके से भी दिखा सकते हैं। लेकिन हम क्या करते हैं, हम इस तरीके से दिखाते हैं, ये है ठीक है, डेट इज माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन जीरो वन टू थ्री एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे जीरो क्या है, ना ही पॉजिटिव है ना उसके साथ ना ही निगेटिव का साइन है, लेकिन बाकी सबके साथ क्या, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस वन का मतलब है यहाँ पे जो है वो प्लस वन है, यहाँ पे माइनस वन है, उसी तरह यहाँ पे प्लस टू है माइनस टू है। तो इस तरीके से भी आप डिनोट कर सकते हैं इंटीजर्स को। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा, एग्जिस्टेंस ऑफ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर, यानी कि एवरी इंटीजर हैज अ सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। ये बहुत बड़ी बात है यहाँ पे कि इंटीजर्स के सक्सेसर भी होते हैं और प्रीडिसेसर भी होते हैं। होल नंबर में, होल नंबर ऐसा था केस जिसमें जीरो का आप प्रीडिसेसर नहीं निकाल सकते थे, क्यों, क्योंकि जीरो, जीरो के बाद जो निगेटिव नंबर्स होते हैं वो इंटीजर्स में आते हैं, जीरो वन टू थ्री फोर फाइव एंड सो ऑन, ये जो होते हैं होल नंबर होते हैं। उसी तरह नेचुरल नंबर में आप वन का प्रीडिसेसर नहीं निकाल सकते थे, लेकिन इंटीजर्स के केस में ऐसा नहीं है। इंटीजर्स के केस में सक्सेसर भी आप निकाल सकते हैं, हर इंटीजर्स का आप प्रीडिसेसर भी आप निकाल सकते हैं। दैट इज फॉर एवरी इंटीजर्स ए, यदि कोई इंटीजर ए है तो उसका प्रीडिसेसर क्या होगा, ए माइनस वन, और उसका सक्सेसर क्या होगा, ए प्लस वन, है ना। तो यहाँ पे ए माइनस वन और ए प्लस वन को क्या कहा जाता है, विच आर नोन एज प्रीडिसेसर एंड द सक्सेसर रिस्पेक्टिवली। यानी कि कोई इंटीजर है, सक्सेसर यानी कि क्या होता है, जस्ट कमिंग आफ्टर, उसके बाद का जो नेक्स्ट नंबर होगा या नेक्स्ट इंटीजर होगा वो, यानी कि ए प्लस वन किसी का सक्सेसर निकालने के लिए, और प्रीडिसेसर क्या होता है, कमिंग जस्ट बिफोर, यानी कि एक पहले, इसलिए ए माइनस वन। जैसे कि यदि मैं आपसे कहूँ कि सेवन का सक्सेसर बताइए, तो सेवन का सक्सेसर क्या होगा, सेवन प्लस वन यानी कि एट, और सेवन का प्रीडिसेसर कहूंगा तो सेवन माइनस वन यानी कि सिक्स, क्लियर। कभी कभी क्या कहेगा, आपको बोलेगा कोई एक नंबर है, नंबर दे देगा, जैसे सेवन यहाँ पे दिया है, कहा जाएगा कि इसका सक्सेसर प्रीडिसेसर का प्रोडक्ट निकालिए, तो सक्सेसर ये हुआ प्रीडिसेसर ये हुआ, अब इसका क्या करना है, प्रोडक्ट निकाल देना यानी मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि एट इंटू सिक्स कर देना है, यानी कि 48 होगा, क्लियर। तो आपको एकदम क्लियर रहना है कॉन्सेप्ट के साथ, और जो भी क्वेश्चंस रहे वो आपके इजीली बन जाएंगे, बस आपका एकदम जो कॉन्सेप्ट है उसको अच्छे से क्लियर कीजिए। नेक्स्ट जो पॉइंट है, लेट ए बी एन इंटीजर। अगर सपोज करते हैं कि एक ए जो है वो एक इंटीजर है, तो ए प्लस वन इज कॉल्ड द सक्सेसर ऑफ ए, तो हम कह सकते हैं ए प्लस वन जो है वो ए का क्या होगा, सक्सेसर होगा। उसी तरह ए माइनस वन क्या होगा, ए का क्या होगा, प्रीडिसेसर होगा, क्लियर। अगर ए बी सी ये तीनों क्या है, इंटीजर्स हैं, और ए पहला केस जो है, फर्स्ट केस जो है, ये केस फर्स्ट है, फर्स्ट केस जो है ए ग्रेटर देन बी है, यानी ए जो है बी से बड़ा है, तो ए में जो जो है ऐड कीजिएगा वो भी बी में ऐड कीजिएगा, तो भी ए प्लस सी जो होगा बी प्लस सी से बड़ा होगा। एग्जाम्पल से इसको अच्छे से क्लियर होगा आपका, जैसे कि टू थ्री और फाइव है, ये ए बी सी है, ठीक है, क्लियर। यहाँ पे टू नहीं, ऐसे कीजिए, थ्री टू फाइव कीजिए, जैसे कि थ्री टू और फाइव, इस वाले केस में क्या है, ए बड़ा है ना, यहाँ पे ये क्या है, ए है, ये क्या है, बी है, और ये क्या है, सी है। तो ए इस केस में क्या है, बड़ा है बी से, है ना, थ्री ग्रेटर देन बी होता है। तो थ्री में यदि फाइव भी ऐड कीजिएगा, इसे हम कह सकते हैं थ्री इज ग्रेटर देन टू, तो
तो 3 में 5 ऐड कीजिए या 2 में वही नंबर ऐड कीजिए, हमेशा ये 3 प्लस 5 कीजिएगा तो कितना आएगा 8 आएगा, और 2 प्लस 5 कीजिएगा तो 7 आएगा, तो ये भी ग्रेटर ही होगा। यानी कि a अगर b से बड़ा है, a अगर b से बड़ा है और a में जो नंबर ऐड कर रहे हैं वही b में ऐड कर रहे हैं, तो भी a प्लस c ग्रेटर देन b प्लस c ही होगा, a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c ही होगा। वही ये पॉइंट कह रहा है, केस वन जो है यही कह रहा है, अगर a ग्रेटर देन b है तो a में जो नंबर ऐड कर रहे हैं, b में अगर वही नंबर ऐड करें तो भी a प्लस c इज ग्रेटर देन b प्लस c ही होगा। उसी तरह अगर a लेस देन b है, a जो है b से छोटा है, a जो है b से छोटा है, तो a प्लस c की करने पे और b प्लस जो नंबर आपने a में ऐड किया तो वही c में ऐड करने पे a प्लस b, a प्लस c जो है वो लेस देन होगा b प्लस c। एग्जांपल से अच्छे से समझिए इसको, जैसे 3 है, 4 है और 7 है, ठीक है, यानी कि 4 जो है क्या है ग्रेटर है 3 से, तो या फिर 4 में 4 प्लस 7 कीजिए, ओके यहाँ पे करते हैं 3, 4 और 7 है, ठीक है, ए बी सी है, यहाँ पे 4 क्या है ग्रेटर देन 3 है, या फिर हम कह सकते हैं 3 जो है लेस देन 4 है, कुछ भी कह सकते हैं ना, कोई किसी से बड़ा है तो हम कह सकते हैं वो जो दूसरा व्यक्ति जिसे कंपेयर किया जा रहा है वो इससे छोटा है, ये भी कह सकते हैं, है ना, तो 3 प्लस 7 कीजिए और 4 प्लस 7 कीजिए, 3 प्लस 7 10 होगा और 4 प्लस 7 11 होगा, तो भी यही बड़ा होगा। यानी कि a अगर b से छोटा है, a लेस देन b है, तो a में जो नंबर ऐड करें b में भी वही नंबर ऐड करें तो भी छोटा ही होगा वो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रॉपर्टीज देखेंगे, ओके okay?